शिवपुरी में कावड़ियों से टकराकर घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत के बाद 26 जुलाई को ट्रैफिक जाम कर दिया था। नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने पर कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को 19 नामजद सहित लगभग 70 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आशीष जाटव के हादसे के बाद इलाज के दौरान 26 जुलाई को मौत हो गई थी। इसे लेकर ग्वालियर बाईपास पर शव रख कर ट्रैफिक जाम कर दिया था। इसके बाद कठमई फोर लेन बाईपास हाईवे पर 1 घंटे ट्रैफिक जाम रखा। मजबूरी में SP राजेश सिंह को फोर्स लेकर पहुंचना पड़ा। नेशनल हाईवे जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सत्येंद्र करैया निवासी आसपुर पिछोर पर केस दर्ज किया है, जो चक्का जाम का नेतृत्व कर रहा था और भीम आर्मी का विधानसभा अध्यक्ष बताया जा रहा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सुरक्षित है, लगातार आज भी हमने देखे हैं, उस दिन भी देखे थे। ठीक है, हमको ये धरना चलेगा कम से कम 8 दिन तक। इस सिर में चोट आई थी, अब पता नहीं एक्सीडेंट हुआ या इसको किसी ने मारा है, हमें कोई क्लियर नहीं है। फिर इसको कहाँ ले जाया गया? ग्वालियर JH हॉस्पिटल में, JH हॉस्पिटल में। उसमें पता नहीं है कौन मिल गया, कोई दलाल हो या मुझे नहीं पता कौन था। ये तो दुख में थे, इनको पता नहीं है, ये सोच रहे बच्चा बस ठीक हो जाए कैसे ना कैसे। तो किसी दलाल ने बताया JK हॉस्पिटल बेस्ट है, तो इसे वहाँ ले गए। फिर उसके बाद इसका 21 तारीख से इलाज चला। इलाज चलने के बाद इसको मतलब कि 22 तारीख तक ये खत्म हो गया था, और हमें पागल बनाया जा रहा था। ये सही है, वेंटिलेटर पर रखा था ये। पर लास्ट टाइम पे हमने हाथ जोड़ जोड़ कर पूछा कि ये जिंदा है या नहीं। मजबूरी है, हमसे पैसे लूट लिए, उसके बाद बताया इसको ले जाओ जहाँ ले जाना है जहाँ ले जाओ, ये अब नहीं रहा। कितने रुपए ले लिए आप? 2 लाख रुपए के करीबन ले लिए हमसे। तो आप क्या चाहती हैं? मजदूर हैं। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? इसको इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपका क्या नाम बेटा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।